आज का हमारा टॉपिक है जी क्लास मलाकोस्ट्राका। ये क्रस्टेशियंस की सबसे बड़ी क्लास है और जो मलाकोस्ट्राका है ये क्रस्टेशियंस की सबसे बड़ी क्लास है जिसमें 40,000 प्लस लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और इन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने 16 ऑर्डर्स में डिवाइड किया हुआ है। और ये जो मेंबर्स हैं ये ग्रेट वैरायटी ऑफ बॉडी फॉर्म्स की जो है वो डिस्प्ले करती हैं। और इनके जो हमारे पास कॉमन स्पीशीज आती हैं वो हैं क्रैब्स, लॉबस्टर्स, क्रेफिश, श्रिम्प, क्रिल, वुड लाइस, एम्फीपोड्स, मैंटिस श्रिम्प एंड मैनी अदर लेस फेमिलियर एनिमल्स। जो क्लासिफिकेशन है उसकी वो कुछ ऐसे है जी। किंगडम एनिमलिया है, फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा है, सब फाइलम क्रस्टेशिया, सुपर क्लास मल्टी क्रस्टेशिया और क्लास है मलाकोस्ट्राका। इसमें अगर हम देखें टैगमेटा एंड इंटरनल एनाटॉमी तो इसके जो हेड है वो दो पेयर हैं उस पे एंटीना के। जो फर्स्ट वन है वो बाइरेमस है, मतलब ब्रांचेस जो हैं उसकी वो इंटू टू पार्ट्स हैं। और जो सेकंड पेयर है वो एक्सोपोड्स होती हैं, मतलब आउटर ब्रांचेस होती हैं, विच आर ऑफन फ्लैटेंड इंटू एंटीनल स्केल्स जिनको हम कहते हैं जी स्कैफोसिरीड्स। और माउथ पार्ट्स जो हैं वो कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ ईच ऑफ मैंडिबल्स, मैग्जिल्यूल्स एंड मैग्जिली। जो पेयर ऑफ स्टार्क कंपाउंड आई भी प्रेजेंट होता है, मगर इसकी कुछ टैक्सा हैं ऐसे जिसमें आई जो है वो अनस्टार्क्ड है, रिड्यूस्ड है या फिर लॉस्टेड है। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसका वो स्ट्रेट है। और जो फोरगट है इसकी वो कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट एसोफेगस, और जिसमें जो स्टमक है वो टू चैम्बर्ड होता है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ विच कंटेन्स अ गिजर्ड लाइक होता है जिसमें गैस्ट्रिक मिल होती है। और जो गैस्ट्रिक मिल है वो ग्राइंडिंग ऑफ फूड पे जो काम करती है। और जो इसकी वॉल्स हैं वो काइटनस रिजेस टीथ्स एंड कैल्केरियस ऑसिकल्स होते हैं। उसमें जो फाइन पार्टिकल्स हैं एंड सॉल्युबल मटेरियल्स मूव कर जाते हैं मिड गट में, जहाँ पे उनकी केमिकल प्रोसेसिंग होती है, उसका जो न्यूट्रिटिव पार्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो एब्जॉर्प्शन है वो टेक्स प्लेस इन वन और मोर पेयर्स ऑफ लार्ज डाइजेस्टिव सीका। जो हाइंड गट है वो कंसर्न होती है जी वाटर रेक्लेमेशन से और फिर फॉर्मेशन ऑफ फिसेस से। एंड जो एनस है वो टैल्सन की बेस पे पाई जाती है। जो मलाकोस्ट्राकन्स है ये इनका जो हैबिटेट है ये बहुत वाइड है। ये तकरीबन सारे के सारे जो हैबिटेट्स जिनसे हम फेमिलियर हैं वहां पे पाए जाते हैं। मलाकोस्ट्राकन्स जो है लिव इन वाइड रेंज ऑफ मरीन में भी हैं, फ्रेश वाटर्स में भी हैं। इसके जो तीन ऑर्डर्स हैं हैव टेरेस्ट्रियल मेंबर्स, एम्फीपोड्स, आइसोपोड्स एंड डेकापोड्स। और ये जो है अबंडेंट है इन मरीन इकोसिस्टम्स में। और मोस्ट स्पीशीज जो इसकी हैं वो स्केवेंजर्स हैं, कुछ जो पोर्सलिन क्रैब्स हैं वो फिल्टर फीडर्स हैं, और कुछ जो मैंटिस श्रिम्प्स हैं वो हैं जी कार्निवोर्स। रिप्रोडक्शन इसकी कैसी है जी, मेटिंग बिहेवियर हैव बीन स्टडीड इन फ्रेश वाटर श्रिम्प। मल्टीपल पटर्निटी जो है वो कॉमन है इनमें। रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ सॉयर्स वाज फाउंड टू कोरिलेट इनवर्सली विद देयर जेनेटिक रिलेटेडनेस टू द मदर। जो फाइंडिंग्स हैं सजेशंस दैट स्पर्म जो कंपटीशन एंड और प्री एंड पोस्ट कॉपुलेटरी फीमेल चॉइस अकर्स। फीमेल चॉइस जो है वो इंक्रीज करती है प्रोजनी की फिटनेस को, और बाय अवॉइडिंग इन ब्रीडिंग जो कि लीड कर सकती है एक्सप्रेशन ऑफ होमोजाइगस डेल्टेरियस रिसेसिव म्यूटेशंस के लिए। जो इसके कॉमन हमारे पास स्पीशीज हैं वो हैं जी यूरोपियन ग्रीन क्रैब, कैंसर पैगोरस, कॉमन रफ वुड लाउस, एस्टेकस एस्टेकस, क्रैंगोन क्रैंगोन।